तो गाइस एक बार फिर से यहाँ पर जी उसो रमेश के साथ यहाँ पर दिखाई देने को मिलेंगे, उनके साथ यहाँ पर जिमी उसो भी होंगे। उसके बाद यहाँ पर समथा इरविन यहाँ पर WWE छोड़ चुके हैं। आखिर इन्होंने क्यों छोड़ा, इसके बारे में उन्होंने क्या बताया, आइए देखते हैं इस वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट इस बार के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे एक रेसलर का यहाँ पर रिटर्न होने वाला, आखिर वो कौन है। उसके बाद इस बार के मंडे नाइट रॉ पर यहाँ पर क्राउन ज्वेल में एक और मैच यहाँ पर ऑफिशियली बुक हो चुका है क्राउन ज्वेल के लिए। तो गाइस इस वीडियो में बात करेंगे और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग न्यूज अपडेट और रूमर्स के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलता रहेगा चैनल। तो गाइस आज के सबसे पहले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर जी उसो को लेकर। तो गाइस फाइनली एक बार फिर से यहाँ पर जी उसो यहाँ पर रोमेज और जिमी उसो को ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर सोलो सिको और जैगर फोटो उनके साथ यहाँ पर बिल्कुल भी गलत की है। इस बार के मंडे नाइट रॉ पर यहाँ पर सोलो सिको की वजह से यहाँ पर जी उसो अपने यहाँ पर टाइटल हार चुके थे, जैगर फोटो ने उनको काफी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, और जिसकी वजह से यहाँ पर जी उसो रोमेज को ज्वाइन करके यहाँ पर सोलो सिको को एक बार फिर से डिस्ट्रॉय कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट इस बार के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे एक रेसलर यहाँ पर रिटर्न होने वाला है, जिनका नाम है यहाँ पर शिंसुके नाकामुरा। हालांकि वो काफी पहले यहाँ पर WWE से गायब हुए थे, उन्होंने जब लास्ट टाइम पे यहाँ पर सीमस ने इनको हराया था, तो इस बार के स्मैकडाउन पे इनका एक बार फिर से यहाँ पर रिटर्न होने वाला है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इस बार के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का व्यूअरशिप कितना आया था आखिरकार। वो था लगभग यहाँ पर 1.38 मिलियन व्यूअरशिप, उसका रेटिंग था यहाँ पर 0.42 रेटिंग स्टार। यहाँ पर कंपेयर करें पिछले स्मैकडाउन व्यूअरशिप से, तो पिछले स्मैकडाउन के जो व्यूअरशिप थे वहाँ पर 1.65 मिलियन व्यूअरशिप के अप्रोक्स था, तो इस बार के स्मैकडाउन का जो व्यूअरशिप आया वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट यहाँ पर जी उसो काफी कम ही समय में यहाँ पर अपना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हार चुके हैं, वो भी ब्रॉन ब्रेकर के साथ। गाइस जी उसो यहाँ पर 100 टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने, इनको यहाँ पर केवल 28 डेज का यहाँ पर चैंपियनशिप रेस था इनका। वैसे तो गाइस यहाँ पर सोलो सिको ज्यादा फनी करते हुए दिखाई नहीं देते, पर इस बार के यहाँ पर मंडे नाइट रॉ पर उनको यहाँ पर उन्होंने किस प्रकार का जो किया जी उसो के साथ। पहले उन्होंने यहाँ पर जी उसो का टी शर्ट दिखाया इट वाला, उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे पास दो टिकट है, एक मेरे लिए एक जैको फादो के लिए। उसके बाद गाइस यहाँ पर अब तक का सबसे बड़ा यहाँ पर न्यूज है समथा इरविन को लेकर। समथा इरविन फाइनली यहाँ पर WWE को छोड़कर जा चुकी हैं, और गाइस ये न्यूज देखने को मिला यहाँ पर कल के मंडे नाइट स्टार थोड़ा होने से पहले ही। वैसे गाइस समथा इरविन ने इसके बारे में काफी कुछ बताया कि किस प्रकार वो यहाँ पर काफी सारे रेसलरों को मिस कर रही है। उसके बाद गाइस समथा इरविन ने यहाँ पर सारे रेसलरों को, सारे एम्प्लॉयज को और सारे लॉकर रूम रेसलरों को भी यहाँ पर थैंक यू बोला, किस प्रकार उनका यहाँ पर हेल्प किया था उन्होंने। वैसे गाइस यहाँ पर समथा का ये 3 साल का यहाँ पर टेनर था, इन्होंने 2021 में अपना डेब्यू किया था और 2024 में यह फाइनली यहाँ पर WWE को लीव कर चुकी हैं। वैसे गाइस समथा को यहाँ पर रिप्लेसमेंट करने वाली उनकी ही फ्रेंड है, जिनका नाम है लिलियन गार्सिया। तो गाइस वो समथा के यहाँ पर काफी अच्छी फ्रेंड्स हैं। तो गाइस यहाँ पर बात ये आता है कि इन्होंने आखिर WWE छोड़ा क्यों, तो उन्होंने इसके बारे में बताया कि वो आगे अपने यहाँ पर म्यूजिक परस्यू करना चाहती थी। और गाइस इनके हस्बैंड रिकी सेंड ने बताया कि वो कहीं भी नहीं जाने वाले हैं, वो अपने यहाँ पर आगे का जो यहाँ पर लाइफ है वो यहाँ पर म्यूजिक में परस्यू करना चाहती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्राउन ज्वेल के लिए एक मैच यहाँ पर और यहाँ पर ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है WWE की तरफ से, सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के बीच। गाइस ये तो होना ही था, इन्होंने जिस प्रकार यहाँ पर मंडे नाइट रॉ की शुरुआत की थी, सेथ रॉलिंस यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड को बैक स्टेज यहाँ पर अटैक कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर रिंग में आने के बाद डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फिर फाइनली इनको देखकर यहाँ पर एडम पेज ने ये मैच कंफर्म कर दिया। उसके बाद गाइस यहाँ पर कल के मंडे नाइट रॉ पर जैको फातु का पहला हार देखने को मिला, जहाँ उन्होंने पहला मैच अपना कोडी रोड के साथ हारा है। वैसे गाइस ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है ना, यहाँ पर जब सोलो सिको अपना पहला मैच हारे थे वो कोडी रोड के साथ ही हारे थे। उसके बाद गाइस नेक्स्ट आप देख सकते हैं कुछ समय बाद हमें यही फोटो एक बार फिर से देखने को मिलेगा, जहां रोमेज के साथ होंगे जी उसो और जिमी उसो, और यहां पर सोलो सिको होंगे उनके रियल अपोनेंट, और उनके साथ होंगे यहां पर सोलो सिको के साथ जैको फादो, टामाटोआ और टामा लोंगो भी। उसके बाद गाइस नेक्स्ट यहां पर बैक स्टेज बोगी मैन आए हुए थे, आप देख सकते हैं किस प्रकार यहां पर सोलो सिको ने उनके साथ यहां पर फोटो लिया, उसके साथ साथ यहां पर जैको फादो भी फोटो लिए। गाइस इस वीडियो में यही सारे न्यूज अपडेट और रूमर्स थे जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।